हमको रुका के यहाँ पे सवाल जवाब होना था। बहुत सारा पैसेज में रास्ता बहुत खराब था। So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Sarai Digital Network। So आज एक नया जर्नी का शुरुआत, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। एंड अभी टाइम तो आपने देख ही लिया है एंड यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिप को हमने कर दिया है ज़ीरो एंड मेरा फ्यूल भी है पूरा भर्ती। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइडिंग राइट अवे। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग चढ़ चुका है नेशनल हाईवे में एंड यहाँ से अभी हम लोग का जर्नी ऑफिशियली शुरू होता है। और इस पूरा जर्नी को एक्चुअली हम फर्स्ट में सोचा था कि बाइक से कंप्लीट करेगा, बट देन आई रियलाइज कि एक तो है बाइक, दैट इज़ ऑल्सो R15 वर्जन 2 एंड प्लस अभी वो मेरा नहीं रहा, सो इट विल नॉट गिव मी द फील ऑफ द जर्नी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ वाई टू टॉर्चर योर सेल्फ वैन यू हैव समथिंग कम्फर्टेबल। सो वही सोच के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहा है। सो राइट नाउ टेकिंग द UPI हाईवे एंड हम लोग इससे नाहरलगुन और लेकी को बाईपास कर लेगा। एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल हाईवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड कुछ देर के बाद वी विल रीच असम, बट फॉर नाउ लेट्स एंजॉय द हाईवे। आगे में अभी एक डाइवर्जन है, यहाँ से सीधा जाने से वी विल गो टुवर्ड्स ज़ीरो और राइट साइड हम लोग को जाना है, देन वी विल गो टुवर्ड्स लेकी दोईमुख बागी तिनाली। यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट लेगा देन वी विल गो टुवर्ड्स राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि अभी ये एरिया जो है ये है आपका दोईमुख एंड इसका थोड़ा सा आगे में एक लेफ्ट साइड करके रोड होगा, वो अगर आप जाएगा देन यू रीच राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश। वो उसका रास्ता थोड़ा आगे से आपको मिल जाएगा। सो इवन दो हम घर से बहुत जल्दी निकला था, बट बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम बहुत लेट हो रहे हैं। बिकॉज एक तो है मैप का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा मैप बार बार मेरा जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उससे डिस्कनेक्ट हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मॉर्निंग समय को लाइक ड्राइविंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उस समय में क्या है आपका बदन जो जस्ट उठा है एंड आई एम जस्ट गेटिंग यूज टू ड्राइविंग, थोड़ी देर के बाद आई विल बी कम्फर्टेबल एंड आई कैन क्लॉक डिस्टेंसेस लाइक दिस। नॉर्थ लखीमपुर का बाईपास रोड, ये जो है आपका लखीमपुर को डायरेक्टली बाईपास कर देते हैं। सो जो लोग डायरेक्ट जाना होता है, जिनको मतलब लखीमपुर में कोई काम नहीं होता है, उन लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट है, बिकॉज वहाँ का जो भीड़ भाड़ से और बाजार एरिया से आप सेफली साइड से निकल जाते हैं।
एंड वहाँ का जो बाजार वाला को भी कोई तकलीफ नहीं होता है। एंड लास्ट टाइम जब हम पासीघाट आया था 2017 को, तब आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुआ था, बट उस समय इतना ध्यान भी नहीं है बिकॉज उस समय लाइक आई वॉज स्लीपिंग द होल जर्नी। सो फिर भी जहाँ तक मेरा एजम्पशन है एंड रोड कंडीशंस आर अभी तक तो हमको अच्छा ही मिला। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो एज यू कैन सी अभी हो गया 99.2 किलोमीटर्स एंड अभी टाइम हो रहा है आपका 8:01। सो जब आगे 7:27 कुछ ऐसे हुआ था तब किलोमीटर कुछ 30-40 में था, बट अभी एक कुछ ही देर में लाइक हमने 100 होने वाला है। सो दिस इज़ द बेनिफिट वी गेट व्हेन वी ड्राइव इन हाईवे, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा स्पीड मेंटेन करके भी, एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके भी आप अच्छा से डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल अगर ऐसा रहा देन आई कैन रीच माई डेस्टिनेशन अर्ली, और थोड़ा भूख लग गया था इसलिए कुछ खाए के सोचा। एंड मेरा बाल के ऊपर मत जाना, हमने एक्चुअली क्या है बाल कलर किया था तो गलती से वो मिक्सचर जो गलत लगाने की वजह से थोड़ा बाल जो ड्राई ड्राई हो गया, तो अभी 2-3 दिन से ऐसे ही है। एनीवेज कुछ खाए के बहुत भूख लग रहा है। होटल ब्लू डायमंड सो व्हाट अ कोइंसिडेंस, जब 2017 को हम लोग जो है पासीघाट आया था तब इसी रेस्टोरेंट में है हम लोग ने जो खाना खाया था। एंड अभी हमको थोड़ा थोड़ा ये देख के याद आ रहा है बिकॉज उस समय में भी ऐसे ही टाइप का सिनेरियो कुछ था, तो इसमें हम लोग ने लंच किया था हम लोग पूरा फैमिली ने। सो इट्स अ कोइंसिडेंस एंड व्हाट अ गुड कोइंसिडेंस। सो हियर इज माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, पराठा एंड ये सब्जी है, एक चाय भी आएगा थोड़ा देर में। ये चाय पीने के बाद हमको एक ही चीज याद आ रहा है, अबे चाय मांगा था पानी नहीं मांगा था बे। यूजुअली असम में चाय हमेशा मोटा एंड काढ़ा मिलता है, बट ये वाला थोड़ा अलग है, बहुत पानी पानी टाइप है। एनीवेज जो भी है जैसा भी है हमको जर्नी से मतलब है, अब यहाँ से नॉन स्टॉप जाना है लंच तक। जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए जो है हम एक्चुअली दूसरा रास्ता से भी जा सकता था, हमको ये डिब्रूगढ़ वाला डाइवर्जन लेने की ज़रूरत नहीं था, बट एक चीज़ है जिसको हमको देखना है तो इसीलिए हम ये रास्ता से आया। अभी थोड़ा देर में आप सभी को भी मिलेगा वो चीज़। सो दिल थाम के बैठे वो कौन सा जगह है कि नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली वेलकम टू द बोगीबिल ब्रिज। वेलकम टू बोगीबिल ब्रिज। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बोगीबिल ब्रिज, और इस ब्रिज को हमको देखने का बहुत समय से एक दिल था, सो आज देखने का मौका भी मिल गया। लेट्स सी इफ देयर इज एनी होल्डिंग प्लेस देन हम होल्ड करेगा।
बोला था पुलिस रहता है, सो अगर हम वहाँ रुकता तो पक्का हमको रुका के यहाँ पे सवाल जवाब होना था। सो अभी हमने कर लिया लगभग आपको 263 किलोमीटर्स एंड टाइम हो रहा है अभी 11:09, तो बोल सकते हैं कि हमने 164 किलोमीटर्स नॉनस्टॉप चलाया इतना देर में। तो बाहर निकलेगा क्योंकि बहुत लेजी लग रहा है। सो दिस इज मी राइट नाउ आफ्टर अ टायरसम जर्नी एंड मीनवाइल हियर इज माय बेबी। अभी भी सफा ही है क्योंकि रास्ता अच्छा था, थोड़ा थोड़ा धूल तो होगा बट इतना नहीं है। एंड क्या बोलेगा, मतलब हाईवे बहुत बोरिंग है, मतलब चला चला के और बीच बीच में बहुत सारा पैचेस में रास्ता बहुत ख़राब था, सो इट वॉज क्वाइट बोरिंग। अभी मेरा पीछे में आप देखो वहाँ में थोड़ा हरा भरा है और ये एक सुनसान हाईवे, क्वाइट बोरिंग राइट। सो गाइस, आप सभी को प्रॉमिस किया था कि अभी एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाने वाला है, तो यहाँ है मेरा पीछे में दी मोस्ट आइकॉनिक ढोला सदिया ब्रिज, जिसका नाम अभी बदल के भूपेन हजारिका सेतु हो गया। ये ब्रिज जो है 9 point something किलोमीटर्स लंबा है एंड ये ब्रिज जो स्पेशली बनाया गया था फॉर दी आर्मी पर्सनल्स, सो दैट वो लोग अपना जो जितना भी जो क्या बोलते हैं सामान है मिलिट्री का उसको ले जाने में आसानी होने के लिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज। और इसका इससे भी बड़ा ब्रिज एक बनने वाला है बिहार में, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी तक इंडिया में, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग और नॉट, कि ये अभी एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। सो अभी हम लोग इस ब्रिज में चढ़ने वाला है, फर्स्ट टाइम मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन द ढोला सदिया ब्रिज। आगे एक एक्सपीरियंस ले लिया था हम लोग ने बोगीबिल ब्रिज का, अभी ये हम लोग का होगा नेक्स्ट द ढोला सदिया ब्रिज। तो उससे पहले थोड़ा सा मेरा गाड़ी के साथ भी एक व्यू ले लो, मतलब अभी पूरा तो नहीं आ रहा है बट फिर भी एडजस्टमेंट के लिए एक व्यू है ये गाड़ी के साथ। सो दिस इज मी एंड ये है मेरा कार, मेरा प्यार माई ग्रैंड आइटन, और वहाँ पे है आइकॉनिक भूपेन हजारिका सेतु। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हम इसमें ट्रेवल करने वाला है एंड दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आप सभी भी मेरा साथ ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। देन लेट्स गो। That was the iconic Dhola Sadia Bridge, as in the Bhupen Hazarika Setu, and ये जो है
ईटानगर से है लगभग आपको 317 किलोमीटर में। सो आज का टोटल जर्नी का बात करने से इट इज 326। सो दैट वॉज द आइकॉनिक भूपेन हजारिका सेतु एंड बहुत समय से यहाँ पे आने का दिल था जब से इसका नाम ढोला सा दिया था एंड फाइनली आज 20 जनवरी 2023 को हम यहाँ पहुँच गया। एंड वही हो जाते हैं गाड़ी में, मतलब बढ़िया से वीडियो नहीं खींच पाते क्योंकि बहुत बंद हो जाते हैं ना एंड थोड़ा फ्रीडम नहीं होते मेरे पास। इंस्टा 360 होने से शायद हम अच्छे से खींचना था। एनीवेज जितना मिला उतना काफ़ी है और आप लोग भी एक बार आओ, खुद से आके विजिट करो, तब आप सभी को इसका जो एक मालूम चलेगा। वैसे इसमें इट्स जस्ट एन आइकॉनिक कि इसका जो है इंडिया में एक नाम है, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल क्या बोलते हैं, ये एक नॉर्मल ब्रिज ही है जो स्पेशली मिलिट्री के लिए बनाया है सो दैट उन लोग सामान इधर उधर ले जा सके, और उस हिसाब से सोच के इसको इंजीनियरिंग किया गया है। एंड बाकी आप लोग एक बार खुद से आके विजिट करो। और अभी जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं, और अभी मतलब ये ट्रैवलिंग का फर्स्ट डे है, आज ख़त्म नहीं हो रहा, आज तो शुरू हो रहा है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो तो हम लोग जाएगा अभी, बट अभी वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया इसलिए हम यहीं तक इस वीडियो को आज रख देगा। आई होप कि मेरा फर्स्ट सीरीज आपको पसंद आया। अभी हम पूरा सोलो ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वरना कोई कोई लोग शक करते हैं। और जितना भी फोटोज़ वीडियोस अगर आपको अच्छा अच्छा दिखाई देगा जो हम और मेरा गाड़ी का, देन समझ जाओ वो मेरा इस जो कैमरा स्टैंड है उसका बदौलत है। तो गाड़ी में आने का कुछ फ़ायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय।